नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक इंटॉक्स कंपनी का ये फ्री डीटीएच सेटअप बॉक्स, और आप देख सकते हैं ये चार्जर लगने वाला सेटअप बॉक्स है, यानी कि न्यू मॉडल जो चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो 12 वोल्ट का चार्जर है ये हमने लगा दिया है इसका पावर में, और ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं है और ना ही ये चालू हो रहा है। तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है इसका चार्जर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी डेड कंडीशन में ही है, क्योंकि ये चार्जर है इसका। तो हो सकता है कि इसका चार्जर पहले ख़राब हो, तो सबसे पहले हम इसका चार्जर को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से डीसी की 200 की रेंज पे सेट मल्टीमीटर को कर दिया है, और मल्टीमीटर को सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी वोल्टेज जो है आउटपुट में नहीं मिल रहा हमारे। तो देख सकते हैं आप, कोई भी वोल्टेज जो है हमारे आउटपुट में नहीं मिला, तो ये कन्फर्म है कि हमारा जो है चार्जर जो है डिस्टर्ब हो चुका है, चार्जर हमारा ख़राब है। तो अभी चार्जर को बाहर निकाल देते हैं हम, और चार्जर को निकालने के बाद इसको रिपेयर करना हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से ये चार्जर को हम रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे इस पर LED बल्ब लगा हुआ है, जब ये चलता है तो नीचे से रोशनी जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको रिपेयर करके आपको बिल्कुल फुली डिटेल में समझाएंगे, बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है, तो इसको इस तरीके से हम खोल देते हैं, आप किसी टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको जब खोल दिया है तो ये भी इसका निकाल देते हैं, और वायर भी इसकी ये जहाँ से हमारा पावर जाता है वहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं, ताकि हम जब वायर को आयरन की मदद से बाहर निकाल दें तो हम भूलें ना कि हमको कहाँ करना है। तो ठीक है, तो हमने अभी दोनों वायरों को बाहर निकाल लिया है, और अगर आप इस साइड की वायर निकालना चाहें तो यहाँ पे प्लस और माइनस आप मार्कर लगा के इसकी साइड भी निकाल सकते हैं, तो भूलने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको चेक भी करेंगे, सब कुछ समझेंगे कि कहाँ से कहाँ पे हमारा फॉल्ट होता है, कहाँ से कहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो अभी हमने बीप की रेंज पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, यानी कि कंटिन्यूटी मोड पे हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे एडेप्टर में, हमारे चार्जर में कोई फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जहाँ पर हमारा पावर के कनेक्शन आते हैं दोनों, तो एक एक सिरे पे लगाएंगे, तो दोनों सिरों पे लगा रहे हैं जहाँ से हमने फेस का न्यूट्रल और पॉजिटिव फेस का जो आता है वहाँ पे लगा के देखा तो कोई भी हमको सप्लाई नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि हमारे बोर्ड में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर जो आपने देखा है, और ये हम दिखा देते हैं आपको, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। और ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई मोबाइलों में, कई चार्जरों में ये डायोड लगे होते हैं, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। तो कई बार देखने को मिलता है कि डायोड लगे होते हैं, तो उन्हीं डायोड के जैसे ये रेक्टिफायर होता है, और ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है, और रेजिस्टेंस की जगह पर कई बार फ्यूज भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर और डायोड, रेजिस्टेंस, रेक्टिफायर दो चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं कि ये रेक्टिफायर जो हम दिखा रहे हैं बिल्कुल सेम जो डायोड जो होते हैं, 4 डायोड लगा है दूसरे मोबाइल में, ये हमारा रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इसके ये आप देख सकते हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस लगी हुई है, और वहाँ पे, और ये हमारा डायोड लगे हुए हैं, तो इसमें एक ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ये सीधा कंप्लीट बना हुआ आता है, और ये हमको जोड़ने पड़ते हैं। तो सीधा सीधा सा है, मतलब जो डायोड होता है डायोड का ही काम ये करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे जो है
तो आप देख सकते हैं ये चार डायोड हैं, चार डायोड मिलके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। वो जो बनता है वो इस तरीके से आईसी के टाइप के बना हुआ इसमें लगा हुआ है, तो ये एक आईसी टाइप का लग रहा है देखने में, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में रेजिस्टेंस लगी होती है कई बार, और दूसरा है एक कैपेसिटर, देख सकते हैं आप कैपेसिटर लगा हुआ है। और तीसरे नंबर पे भी हम एक दो तीन, तो ये रेजिस्टेंस, रेक्टिफायर और कैपेसिटर, ये अगर डेड की प्रॉब्लम है तो, और ये कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, और ये चार चीज़ें जो है हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी डेड की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला जो कैपेसिटर है उसको चेक कर लेते हैं। तो बड़े वाले कैपेसिटर को चेक करने के लिए एक साइड से हमको रीडिंग मिलेगी, एक साइड से कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी, तो हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। और रहा दूसरा वाला कैपेसिटर, तो सेम इसी तरीके की प्रक्रिया इसमें होगी, एक साइड से हमको रीडिंग मिलेगी, एक साइड से कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी बीप की रेंज पर सेट करते हुए। तो यहाँ से रीडिंग मिल रही है बट यहाँ से कोई भी रीडिंग हमको नहीं मिलेगी, तो हमारा ये भी कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। तो अब बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा हुआ है हमारा डायोड टाइप का, तो देख लेते हैं। तो इसमें एक साइड रीडिंग मिलेगी, एक साइड रीडिंग नहीं मिलेगी, इसमें भी बिल्कुल वही कैपेसिटर जैसी प्रक्रिया होती है। तो इस साइड रीडिंग नहीं मिली और हम इसको इस साइड से लगा के देखते हैं तो यहाँ पर रीडिंग हमको मिल जाएगी, और इसी का जस्ट अपोजिट करके देखते हैं तो हमको कोई भी रीडिंग जो है सो नहीं करेगी। तो हमारा एक साइड से ओके है, तो इस तरीके से कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही, तो ये हमारा एक साइड का ओके है। तो इसी के जस्ट दूसरे साइड भी देख लेते हैं, तो इस साइड हमको रीडिंग मिल रही है और जस्ट अपोजिट लगाएंगे इसके तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी, तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल ओके है। देखिए कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही, तो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर भी ओके है। जब यही कंपोनेंट जो है ज़्यादातर ख़राब होते हैं, ज़्यादातर यही कंपोनेंट ख़राब होते हैं और ये हमारे सही हैं, तो बचा मात्र हमारा एक रेजिस्टेंस, तो इसको चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको चेक करने की प्रक्रिया कुछ अलग है। अगर ये हमारी सही है तो आपको बीप की वॉइस जो है मिलेगी, और अगर ये ख़राब है तो कोई भी वॉइस जो है नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी वॉइस नहीं मिल रही, तो कन्फर्म हो गया है फ्रेंड्स कि हमारी जो है रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब है और ये हमारा रेक्टिफायर है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया है, कोई भी डायोड शॉर्ट हो गए हैं या फिर डायोड लगे होते हैं या फिर रेक्टिफायर लगा होता है, तो डायोड अगर हमारा शॉर्ट हो गया है तो जहाँ से हमारा प्लस और माइनस का फेस और न्यूट्रल जहाँ से हमारे लगते हैं वहीं पर अगर हम मल्टीमीटर को लगाते हैं तो सीधा सीधा बीप की वॉइस मिलती है, तो समझ लेते हैं कि हमारा शॉर्ट हो गया है डायोड यानी कि रेक्टिफायर। तो अभी कुछ नहीं करना है, जब हमारा सब कुछ सही है तो रेजिस्टेंस को एक बार बाहर निकाल देते हैं, और रेजिस्टेंस को निकालने के बाद आपको दूसरा वाला रेजिस्टेंस लगा के चेक करा लेंगे कि, और दूसरा वाला रेजिस्टेंस चेक लगा के चेक कर लेंगे तो देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी भी चार्जर के बोर्ड से ये रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, किसी भी बोर्ड की निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने निकाल ली है और ये लगा सकते हैं, ये रेजिस्टेंस आप 5 वोल्ट के चार्जर से भी लगा के देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप रेक्टिफायर लगा हुआ है ये, तो इसमें भी रेक्टिफायर होता है लेकिन ये वाला रेक्टिफायर इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये 5 वोल्ट का है और हम रिपेयर कर रहे हैं 12 वोल्ट का, तो उस हिसाब से ये डायोड होते हैं जिस हिसाब का चार्जर है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें भी रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट के चार्जर थे, और अभी हमको करना क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाली है इसकी जगह पर आप फ्यूज भी लगा सकते हैं कोई भी, और नहीं है तो आप डायरेक्ट आपस में शॉर्ट कर सकते हैं, तब भी हमारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमने ये रेजिस्टेंस को निकाल दिया है, और रेजिस्टेंस को निकालने के बाद अभी हम दूसरी वाली रेजिस्टेंस जो हमने दूसरे चार्जर से निकाली उसको हम इसमें चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये रेजिस्टेंस हमारी बीपी वॉइस दे रही है यानी कि हमारी ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, तो हम इसको जो है
आसानी से इस बोर्ड में सेट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इसमें ये रेजिस्टेंस जो है हमने निकाली थी वो लगा दी है। और आप को करना क्या है, तो फ्रेंड्स थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि हम पहले वीडियो बना लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो में वॉइस जो है क्रिएट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है। बट वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो फाइनली जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, यानी कि हमारे जहाँ पे फ्यूज फेस और न्यूट्रल लगना है, वहाँ पे हम जैसे कि तैसे थोड़ा सा कंपोनेंट का हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा तो उसको काट दिया है, और जैसे कि तैसे वायर जोड़ के एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हमने दोनों वायरों को जो है अच्छे से जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अभी हम पावर में लगा के देख लेते हैं, यानी कि प्लग में स्विच में लगा के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि स्विच में लगा दिया है हमने, और हमारा जो है 12 वोल्ट का चार्जर जो है वर्किंग कंडीशन में और वर्क कर रहा है। तो अभी हम फ्री DTH सेटअप बॉक्स में ये चार्जर जो है इन करके देखेंगे। तो उसके पहले हम आपको इसमें वोल्टेज दिखा देते हैं कि पहले हमारे कोई भी वोल्टेज जो है आउटपुट नहीं हो रहे थे, तो अभी देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज जो है हमारा आउटपुट में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1.3 यानी कि 13 वोल्टेज मिल रहा है। तो 13 मल्टीमीटर से एक आध वोल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, 12 वोल्ट ही निकाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी लाइटें जो ऑन हो चुकी हैं और हमारा जो है सेटअप बॉक्स